Press the subscribe button, press the bell icon, you will receive all the notifications. आज हम बनाएंगे रसमलाई. रसमलाई बहुत ही टेस्टी बनती है. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर टोन मिल्क और काउ मिल्क. इसे हम कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए इसमें दूध को बॉईल आने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे. यहाँ मैंने 2 नींबू का रस लिया है. इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके अंदर 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसे थोड़ा पतला कर लेंगे. हमारे दूध में बॉईल आने के बाद हम इसे ठंडा करेंगे. गैस फ्लेम करके ठंडा करने के बाद हम इसमें हल्का हल्का करके नींबू का रस डालेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे. और आप देख सकते हैं छेना फटना स्टार्ट हो गया है और ये हमारा छेना फट कर रेडी है. अब हम इसमें छेने जो हमारा छेना फटा इसके अंदर हम ठंडा आइस वाटर मिलाएंगे क्योंकि हम छेने को ज़्यादा देर गर्म पानी में नहीं रहने दे सकते. अब इसे एक कपड़े पे ट्रांसफ़र करेंगे. कपड़े के नीचे छरनी लगा लें और इसमें ठंडा पानी डाल के इसका जितना भी नींबू का फ्लेवर है वो निकाल लें. मेक श्योर कि छेना ज़्यादा देर गर्म नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपके रसगुल्ले जो हैं वो बहुत हार्ड बनेंगे. इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, धीरे धीरे करके इसका थोड़ा सा पानी निकाल लेना है और इसे हैंग कर देना है, इसे टंगा देना है. इतने हम रसमलाई के लिए जो है रबड़ी तैयार करते हैं उसके लिए हमें चाहिए फुल फैट क्रीम मिल्क. उसमें हम डालेंगे केसर, नट जो कटिंग है नट्स की वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इलायची पाउडर 1/4 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून कलर, येलो कलर फूड कलर आता है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें बॉईल आने तक इसको ऐसे ही मिक्स करते रहें. इसमें बॉईल आ चुका है और ये थोड़ा कम भी हो चुका है क्वांटिटी में. अब हम इसमें 1/2 कटोरी चीनी मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे. इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, पतला ही रखना है. अब हम चाशनी रेडी करेंगे. एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 कप चीनी डालेंगे और 6-7 कप पानी डालेंगे. करीब 1 लीटर पानी डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए चीनी को मेल्ट करना है. हमें इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए होती है. इधर हमारा छेना रेडी है. अब इसे हम हथेली की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे. ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत ही लाइट हैंड से करना है. छेना मिक्स होने के बाद अच्छे से अब हम इसमें 1/4 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च डाल के मिक्स कर लेंगे और इसकी छेना की बॉल्स बनाएंगे. ध्यान रहे छेने की बॉल्स में कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए. अगर आपको लगता है क्रैक्स हैं तो इसे आप और अच्छे से मैश कर लें. इस प्रोसेस में करीब हमें 10 मिनट लग जाते हैं अगर आप अच्छे से छेना बॉल्स के लिए मिक्स करते हैं. अब हमारी चाशनी में बॉयल आने के बाद हम इसमें हमारी जो बॉल्स हैं वो डालेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे. आप बीच बीच में इसे 2 मिनट के लिए 2-2 मिनट में चेक करते रहिए. करीब हमें ये प्रोसेस 10 मिनट तक ढक के पकाना है और 5 मिनट हम इसे खोल के पकाएंगे. और 10 मिनट बाद अपने बॉल्स को इनको आप पलट दीजिए जिससे ये दोनों तरफ से पक जाए और इन्हें हल्का हल्का सा हल्के हाथ से प्रेस कीजिए. 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी रेडी है. अब इसे हम गैस फ्लेम से उतारने के बाद एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे. उस बॉल में मैंने कुछ आइस क्यूब्स ली है, उसके अंदर हम चाशनी ट्रांसफ़र करेंगे. इससे क्या होगा कि हमारे जो रसगुल्लों की चाशनी ठंडी होगी तो इससे हमारे जो रसगुल्ले हैं जो उनका स्पंज है वो मेंटेन रहेगा. अब इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और 1/2 घंटे बाद हम इनका रस फिंगर्स की सहायता से इनका रस निकालेंगे और हमारे जो रसमलाई रबड़ी बनाई थी उसमें मिक्स करेंगे. रसमलाई बनके रेडी है. इसे फ्रिज में आप चिल कीजिए और सर्व कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब.